हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम खेलने लगे माइनक्राफ्ट। तो ये वाली इस वीडियो के अंदर मैं ना आपको मैंने अपने लिए फॉर्च्यून 3 लेनी है जैसे तैसे करके, और मैंने वो भी लेना है, क्या कहते हैं, मैंने लाइब्रेरियन से फॉर्च्यून 3 लेनी है, और मुझे हॉर एक्सपी भी चाहिए क्योंकि मेरा ना ये हो गया कम्प्लीट 30। मेरा ये हो गया 30 का। जैसे अगर मान लो मैं कोई भी लेके आऊँगा, जैसे मान लो मैं ये बोई लेके आता हूँ, और अगर मुझे इसको अपग्रेड करवाना है तो मेरे 30 लेवल होने चाहिए, और ये फिर अनब्रेकिंग देगी, अनब्रेकिंग 1 पावर 1 ऐसे करके देगी अच्छे वाले। तो मैं अभी बीच में कुछ वीडियोस की क्लिप डाल रहा हूँ, पहले वो देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जैसे मैंने आपको कहा था मैं केव एक्सप्लोर करूँगा, तो मैं अभी केव एक्सप्लोर कर ही रहा था, तो मुझे पता नहीं कौन सी केव मिल गई, मैं कौन सा बायोम में हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। देखता हूँ मैं कौन से बायोम में हूँ। ये बायोम इधर कहाँ पे दिखाता हूँ, बायोम माइनक्राफ्ट प्लेन्स में हूँ मैं। तो देखो मुझे कितना आयरन मिला है, ये आयरन और ये मुझे आयरन के चंक्स मिले हैं। ये देखो, ये अगर मैं करूँगा ना, ये इधर मैंने ये किया, ये आयरन के चंक्स मिले हैं। इससे मैं एक आयरन का चंक 3 का होता है, तो इतना सारा आयरन मिला है इधर। तो भाई साहब, मैं बस यही दिखाना था कि जैसे मैंने आपको कहा था, अगर कोई मुझे ये देखो आयरन के चंक्स मिल रहे हैं इधर, तो मैं भी हॉर एक्सप्लोर करूँगा और आपको बताऊँगा इसके आगे वाले पार्ट में कि मुझे क्या क्या मिला। तो फ्रेंड्स, मैं अभी इधर माइनिंग कर रहा था और मुझे देखो अभी क्या मिला है। मुझे ये 4 डायमंड मिले हैं, पर मैं इन डायमंड्स को अभी माइन नहीं करूँगा। मैं ना अभी ऐसा कर रहा हूँ, पहले मैं ये क्राफ्टिंग टेबल निकाल के ना, शुक्र है मैं स्टिक्स ले आया, तो क्राफ्टिंग टेबल निकाल के मैं पिकेक्स बना के ऊपर लेके जाऊंगा, और मैं वो ट्राई करूंगा लेने की, जैसे तैसे वो लेने की ट्राई करूंगा मैं। जैसे तैसे कि मैं फॉर्च्यून लेने की ट्राई करूंगा, और मुझे इधर से वो भी ज़्यादा मिल जाए, सिल्वर भी ज़्यादा मिल जाए, तो उसके लिए भी फॉर्च्यून लेने की ट्राई करूंगा। तो मिलता हूँ आपको आगे वाले पार्ट में। तो अगर आपने क्लिप देख ली होंगी तो आपको पता चलेगा कि मुझे डायमंड भी मिले थे। मैं एक बारी माइनिंग के लिए गया था, डायमंड मिले थे मुझे, और एक मुझे सिल्वर की पूरी रबीन मिली थी। वो जगह ये रही पूरी, वो ये है जगह। तो मैं देख रहा था कि मैं कैसे लूँ, और जिस आपको याद होगा पिछली वीडियो से, ये लाइब्रेरियन तो ये मुझे ऑफ़र कर रहा है रेस्पिरेशन 2, ये मेरे हेलमेट पे लग जाएगी, और ये फॉर्च्यून 2 भी ऑफ़र कर रहा है, और ये तो है ही, ये फॉर्च्यून 2 भी ऑफ़र कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ 2 फॉर्च्यून लेके ना, नहीं, हाँ तो बाहर ही रहा, अंदर रहा, मतलब 2 फॉर्च्यून लेके मैं वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं उसको, फॉर्च्यून 3 बना के अपनी डायमंड वाली पिकैक्स पे डाल लेता हूँ। कौन सी वाली, किसी पे भी डाल लूँगा मैं। उसके लिए पहले मैं, और मैंने ना ये देखो इतनी सारी वुड भी इकट्ठी करी है, ये भी बताता हूँ क्यों की है। ये सबको सारी ले लेते हैं वुड, हम ये ले लिया, ये ले लिया, और अभी हम बनाएंगे एक फ्लैचिंग टेबल, और इसका मैं सारी लकड़ बना लेता हूँ, इसकी सारी स्टिक्स बना लेता हूँ। ये देखो, ये मैंने बना ली स्टिक्स, और अब हम चलेंगे इधर अनलॉक, और अगर मैं इधर डालूँगा ये, और अगर मैं ये तोड़ दूँगा तो ये बन जाएगा फ्लैचिंग। नहीं, मुझे वो वाला चाहिए जो वो लेता हो, क्या कहते हैं उसको, इसको इधर करते हैं। इसको तोड़ते हैं, साइड हो जाओ भाई, साइड, इधर ये लगाते हैं। चलो अब मैं इसे ये ट्रेड कर सकता हूँ, ये बो और ये इधर है, ये ट्रेड करते हैं इसे भी। अरे भाई साहब, 38 क्यों, तो
पता नहीं इसने अपने प्राइस महंगे कर दिए, 38 कर दिए इसने। चलो जी मेरे पास 21 हो गए हैं, ये 26 की बुक दे रहा है फॉर्चून 2 की, तो पेपर भी पड़े होने चाहिए मेरे पास, देखता हूँ। और मेरे पास पहले के भी कुछ एमरल्ड पड़े होंगे, तो ये पड़े मेरे पास, ये पड़े एमरल्ड, और वी ये पेपर ले लेते हैं हम इधर से, और इधर कुछ पड़ा है नहीं, इसको वापस रखते हैं, इधर चलते हैं, इधर 37 हमें अराउंड 40-60 के चाहिए, तो और क्या ले सकते हैं हम, अभी तक तो इतना ही है। पहले हम ये वो सेल करते हैं पेपर, ये चलो जी पेपर हो गया। अब ये फॉर्चून 2 दे रहा है ना, ये कितने की, हाँ तो पहले तो मैं सोच रहा हूँ इधर रख देते हैं, इधर रख देते हैं, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ये देखते हैं ये अगला क्या देगा, कुछ अच्छा सा दे देंगे भाई। चलो इसने अब स्ट्रिंग अनलॉक कर दी है, तो जैसे अगर मैं इधर जाता हूँ और मैं जाता हूँ इधर, तो अगर जैसे इसके अंदर स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं अभी, अभी ये देखो कितना अच्छा चल रहा है पहले से, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सारे वो मैंने केव ख़त्म कर रहा हूँ ना धीरे धीरे, जितनी जल्दी केव ख़त्म करूँगा उतने अच्छा ये चलेगा। ये देखो कितना सारा माल पानी आ जाएगा इसमें, तो पहले मैं ये खाता हूँ, और मुझे अपनी काउस भी मारनी पड़नी है थोड़ी, इतनी सारी हो गई हैं, तो चलते हैं इधर, इधर चलते हैं इधर, और पेपर को हम रख देते हैं इधर, और ये मैं सोच रहा हूँ ना एक बुक ले ही लेते हैं, लेते हैं और मुझे एक चीज़ चाहिए थी शायद ही इधर होएगी, देखते हैं। ये एक चीज़ होती है जिससे एन्चेंटमेंट ना उतर जाती है, वो चीज़ का नाम मुझे पता नहीं है, देख इधर तो होनी चाहिए कहीं, देखते हैं। हाँ इधर भी नहीं है, इधर तो होनी चाहिए यार, इधर तो है नहीं, और मेरा वो भी टूट गया। और अगर मैंने आपको दिखाया ना, ये देखो मेरे पास 25 और ये इतना गोल्ड आ रखा है, तो भाई गोल्ड की तो कोई कमी है नहीं, तो अगर हम इधर जाएंगे और ये नहीं, और हम अगर आ जाओ, ये आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं हम हमें चाहिए ये 25 की, ये 25 की दे रहा है साहब, फॉर्चून 2 25 की दे रहा है ये, रेस्पिरेशन 2 फॉर्चून 2 25 की ले लेते हैं, और ये भी, अरे भाई साहब मुझे इतना नहीं करना था इसको, देखते हैं क्या कोई, भाई साहब नेम टैग दे रहा है, देखना मास्टर में बन गया, नेम टैग दे रहा है। मैं ये ना जैसे तैसे मार दूंगा ये विलेजर, क्योंकि नहीं ये विलेजर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसको हम डाल रखते हैं इधर, ये हमारा गया इधर, और हमें बनाना है अभी ये कहाँ गया, एनविल, एनविल बन गया इधर, एफिशिएंसी 1 है ये यार, मैं एक बारी गूगल पे सर्च करके आता हूँ उसको कहते क्या है। तो गाइस अभी मैं देख के आया हूँ, तो मुझे पता चला उसके लिए ना मुझे स्लैब बनानी पड़नी है पहले इसकी, उसके बाद मेरी वो वाली रेसिपी खुलेगी, तो पहले इधर चलते हैं इसकी, ये देखो जो आया ना अभी न्यू रेसिपी अनलॉक्ड, ये मुझे चाहिए, कहाँ है ये, मैंने इसका नाम देखा था वापस भूल गया मैं,
अभी मैंने देखी थी ये, यार कहाँ गई, रुक जाओ, इधर होनी चाहिए जितना मेरा ख्याल है। नहीं इधर नहीं, ये रहा ग्राइंडस्टोन, ये एक हो गया। ये चाहिए, ओके। तो ये तो हमारे पास स्टिक्स भी नहीं है। अरे भाई वापस स्टिक्स वगैरह नहीं आए, वुड इधर पास पास कहीं तो है नहीं, दूर से लेके आने पड़नी। वो देखो वुड का पेड़ है एक, तो मैं अभी सोच रहा हूँ ना कि अपने विलेजर्स को ना मैं ब्रीड करवा दूंगा, और जो ये मेरा वो है क्या कहते हैं लाइब्रेरियन, उसको मैं बाहर लेके जाके कहीं मार दूंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जहाँ मैं इसको बाहर ही छोड़ दूंगा, अपने आप ज़ॉम्बीज से मर जाएगा। तो पहले इसको करते हैं हम ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बन गया हमारा डिसएन्चेंटर कह सकते हो आप। इसमें ये डालेंगे, मेरी पिकैक्स आराम से बाहर आ जाएगी अच्छी सी। मैं इसमें ही कर देते हैं। और मुझे ना हॉर चाहिए अभी, मुझे मैं 30 तक चाह रहा हूँ, 30 कर दूँ उसके बाद मैं मैक्सिमम लगा पाऊँ क्या कहते हैं इंचांटमेंट वहाँ से भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना रुकते हैं, अभी पहले अपनी HP 30 करते हैं रात तक, उसके बाद कहीं जाते हैं। पहले तो हम इधर से मार लेते हैं इनको। नहीं नहीं ये लग रहा, ये आओ, मुझे लगता आना ही पड़ना है एक बारी अंदर ना। अरे भाई 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 भाई, सारे साइड हट जाओ। हाँ चलो 27 हो गई है, 27 तो पहले थी, अब देखते कितनी हो सकती है। ये एक तरह से वन शॉट किल कर रहा है सबको। इसको भी मारते हैं, इसको भी। सबको मारता हूँ, एक बारी मेरी 30 HP होती है ना फिर मिलता हूँ आपसे मैं। तो गाइस मेरे अभी ना 30 लेवल हो चुके हैं, तो जल्दी से पहले हम वो कर लेते हैं, एन्चांट कर लेते हैं इसको, इसको इधर रखते हैं। और ना देखते हैं अगर कोई अच्छी सी एन्चांटमेंट बाकियों के ऊपर, बाकियों के ऊपर मिलेगी वो भी अच्छी बात होगी। पहले हम इसके ऊपर देखते हैं क्या है। मैंने सुबह देखा था अनब्रेकिंग 3 है, लेट्स सी अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 4, और क्या चाहिए भाई साहब। अब इसके ऊपर फॉर्चून 2 भी लग जाएगी, ये मेरी ये मीडियम बन जाएगी क्या कहते हैं उसको। अगर मैं ये करके देखूँगा इस पर क्या आ सकते हैं, नॉकबैक 2, ये नॉक स्माइट 2 ले सकता हूँ, पर मुझे स्माइट 2 की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे बो चाहिए अच्छी सी। तो मैं ये बो कंबाइन करके देख सकता हूँ। ये आ जा भाई तू इधर, और तू ले ले ये, तू ये, और ये लैपिस लाजूली सारा खाली कर दो। और बो पावर 2, पावर 4 नहीं, ये स्माइट 2 ले लेते हैं, स्माइट 2 पावर 2। चलो कुछ ना आने से तो कुछ बेहतर ही है, डिसएन्चेंट नहीं करना हमें। अगर मैं इसका इसका कंबाइन करूँगा पावर 2 ही बनेगी तब भी। ये कर लेते हैं, और अगर मैं इसका और इसको कंबाइन करूँगा, नहीं कंबाइन ही नहीं हो सकते, हो सकते हैं
इसमें क्या स्माइट 2 और इसमें नॉकबैक 1, ठीक है भाई। और क्या चाहिए? तो अभी हम चलते हैं, ये नहीं, इसका इसका सारा लैपिस लाजूली बनाना था हमने, और ये नहीं, ये इधर आयरन इधर, और हमारे पास ये लक्कड़ पड़ी है, स्टिक्स भी हैं, स्टिक्स तो हमारे पास ही हैं, और ये खाना हम रखते हैं इधर, इसको भी रखते हैं, ये हो गया, इसको एक्चुअली हम रखते हैं इधर, नहीं ये पूरा इसका हम ये रखते हैं ऐसे, और फॉर्च्यून 2 मेन चीज़ तो लगानी भूल गया मैं, ये लग जाएगी इधर और ये इधर, अगर मैं उल्टा करूँ नहीं लगेगी। चलो भाई साहब, अब देखते हैं मेरी फॉर्च्यून कैसी है। अब पहले कोल ले लेते हैं स्टिक्स के लिए। चलो जी, मैंने उधर निशानी बना रखी, बस उधर सीधा ही नीचे टिक करना है, ये ऐसे चल जाएगा, ये ऐसे ऐसे, और शवल तो टूट जाएगी तो ये यूज़ करते हैं हम, ये वाली शवल। तो देखते हैं गाइस कितने हैं, और उधर अभी ना बहुत बहुत सारा आयरन भी पड़ा हुआ है, तो एफिशिएंसी 2 उसमें भी मदद करेगी। मैं पता नहीं है कि अगर मैं टॉर्चेज इधर रखूँगा कुछ फायदा होगा, नहीं भाई, रोशनी तो तब भी होनी चाहिए, देखते हैं। नहीं भाई, रोशनी का तो कुछ फ़ायदा है नहीं, तो इसको ऐसे ही रखते हैं सेफ्टी के लिए। ये था क्या? नहीं, अब इधर प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता नहीं है मैंने कहाँ से किया था। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे पिकेक्स, हाँ अरे भाई ये रहा जगह, ये जगह रही, कितने हैं? 1 2 3 4 हैं, देखते हैं, 1 2 3 4, लेट्स सी। अरे भाई साहब, 7 डायमंड मिल गया, और क्या चाहिए? अब मैं इससे माइनिंग करूँगा, बस ना मुझे अभी उधर विलेजर से मैंडिंग लेनी है, उसके बाद मेरी सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी धीरे धीरे। तो मैं आपको ये पूरी केव का आयरन निकाल के मिलता हूँ। तो भाई ये देखो, मैं उससे मिलती जुलती केव में आया था, तो मुझे देखो कितना सारा सामान मिल गया है। अभी मैं दिखाऊँगा ना, मेरे पास ये एक आयरन, ये एक आयरन, इसके मैं ये ठीक है, ऐसा 7 डायमंड, और मुझे इस केव में आयरन बड़ा मिल रहा है, तो मैं ये सारा माइन करूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इससे ही तोड़ रहा हूँ क्योंकि इससे कभी कभी ज़्यादा मिल जाता है। देखो अभी मेरे पास 64 एक स्टैक आयरन तो हो ही चुका है, और मैं बाकी इधर उधर से ले लूँगा। अरे भाई साहब, ये भी करते हैं, ये करते हैं। और आप मुझे कमेंट्स में बताया करो मैं और कौन कौन सी गेम खेलूँ, जहाँ इसके अंदर मैं कौन कौन से मोड्स खेलूँ। और तो गाइस अभी मैं ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, और मुझे देखो क्या मिला है, मुझे देखो ये 2 डायमंड। अभी तो बाहर से 2 डायमंड दिख रहे हैं, पर अंदर से पता नहीं कितने डायमंड होंगे। पहले हम वो डायमंड देखते हैं कैसे हैं, और ये केव, और ये नीचे वाली केव ना बहुत बड़ी हैं, देखते हैं। 1
पहले मेरे पास 7 थे, अब देखते हैं कितने होंगे। 14, तो कितने मिले मुझे हॉर, कितने मिले? 7 14, ये मुझे मिले 7 हॉर। तो भाई साहब अभी इनसे तो मैं वो बनाऊंगा टूल्स अपने, और उन टूल्स को मैं संभाल के रखूंगा। जैसे मान लो पिकेक्स अभी इसके लिए, अभी हम परमानेंट पिकेक्स मेरे पास ही रहेगी। चलो जी वो मर गया, इतना सारा आयरन है ये देखो, 1 2 और ये 2.5 स्टैक आयरन के। ये मर गया। अरे भाई साहब इधर ये कर देते हैं रोशनी। अरे भाई 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 पहले हेल्थ पूरी कर लेते अपनी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा माल पानी है। तो अभी इधर तो रिस्की नहीं होएगा, होना तो नहीं चाहिए। ये सारे उसमें अटके हुए हैं जो स्पाइक्स नहीं है, स्पाइक जैसी उसमें। देखो गोल्ड, अभी मैं कौन से लेवल पे हूँ, अभी मैं 7 लेवल पे हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल से ना माइनस के बाद जितने भी लेवल होते हैं सारे अच्छे होते हैं। ओ भाई साहब मैं जहाँ जगह मिल रही है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। पर ये जगह जाने के लिए अच्छी नहीं है, तो ऐसा करते हैं लाइट करते करते वापस चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं ऊपर आया हूँ और मैं पता नहीं चल रहा मैं मेरा घर है कहाँ, और ऊपर तो रात भी हो रखी है एक तो अगर मैं इधर मर गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कहाँ जाऊँ देखते हैं। वो रहा। चलो एक्सपी फॉर्म बनाने का कुछ तो फ़ायदा हुआ मुझे, वो तो दिखता है मेरा वो है कहाँ, मेरा घर कहाँ है। मैं आपको सारा सामान दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ। पहले मुझे एक बार घर के पास पहुँचने दो। ये देखो ये शुगर केन फार्म कितना सही चल रहा है अभी के लिए, तो फार्म नहीं है, फार्म तो ऑटोमेटिक होएगा, पर तब भी ये शुगर केन कितनी अच्छी उग रही है। पहले सो जाते हैं एक बारी, फिर सुबह उठ के दिखाता हूँ आपको। सुबह आ चुकी है और आप अब देखो बस क्या क्या है मेरे पास। ये तो आन दो, और ये देख रहे हो आप 1 2 3 4, और मैं अभी ये ब्लॉक बना दूँगा। 4 से भी ज़्यादा हो गया। मैं ना ऐसा करता हूँ अभी ये ले लेता हूँ ठीक है, और जो स्मेल्टिंग के लिए ना जो स्मेल्टिंग के लिए उसको मैं डालता हूँ इधर 1 2 3 4 5, ये सारा गया स्मेल्टिंग के लिए ठीक है जी। अब अपने आप होते रहेगा स्मेल्ट। और अब हम चलते हैं इधर और मैं दिखाता हूँ मेरे पास बाकी सामान क्या है। मेरे पास इतना सारा रेडस्टोन आया है, लैपिस। ओ भाई साहब शिट यार, मैंने लैपिस लजूली लिया था पर वो रखने की जगह ही नहीं थी, तो मेरे ख्याल से उधर ही रह गया कहीं, कुछ नहीं होता। ये रखते हैं
और कोल भी हमें ठीक ठाक मिल चुका है। आयरन तो हमारा इधर ही जाएगा, कहाँ गया, इधर जाएगा, इधर भाई साहब इधर, डायमंड हमारे जाएंगे इधर, और कोल को तो हम इधर रख देते हैं अभी के लिए, लकड़ इधर रख देते हैं, और ये जो पिकेक्स है ना इसको मैं रखता हूँ इधर, पिकेक्स को इधर रखते हैं क्योंकि ये हमारी मेन होएगी और ये हमारी सेकेंडरी, पर पावरफुल ये है तो इसको हम एक तरह से वो रखते हैं, क्या कहते हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़े फॉर्च्यून वगैरह की उसके लिए। ये हो गया हमारा मेरा सब कुछ, इसको रखते हैं हम इधर, ऐसा करते हैं ना, मेरे पास है ना HP, हाँ अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, दो लेट्स सी, ये आठ और ये दो करना वर्थ इट लगा मुझे, तो मैंने दो कर लिया, तो इसको हम लेके जाते हैं इधर, तो हमारा ये अभी का सामान हो गया सारा, ठीक है जी। आयरन हमारे पास 22 पड़ा, इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, अच्छी बात है। और देखते हैं हमारे लाइब्रेरी, हमारे इन्होंने बच्चे ही नहीं किया अभी तक यार, क्या कर रहे हैं ये लोग, तू क्या भाई, तू क्या दे रहा है, दे रही है मतलब पता नहीं, दे रही है दे रहा है मुझे ये नहीं पता। और मुझे अभी इनको ब्रेड खिलानी पड़नी है जी, ब्रेड चाहिए मुझे वीट दो, ऐसा करते हैं इसको इधर रखते हैं, आधी ले लेते हैं और इन सब का ब्रेड बना के इनको दे देते हैं। ये बन गई मेरी ब्रेड, ये मैंने दिया इधर, अरे भाई भाई चाहिए मुझे इसका, लगता है हाफ एंड हाफ करना पड़ना, हाँ ये लो भाई तू ये ले, नहीं चाहिए क्या दोनों में से किसी को, कोई ये ले लो, और तू ये ले लो, माँ मत ले जाओ, देखते हैं अब कब तक ब्रीड करते हैं ये दोनों। तो आज के लिए इतने, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।